रोहतक में डीजे बजाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक अपनी बहन के पास होली खेलने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वो गली में बज रहे डीजे पर नाचने के लिए चला गया, लेकिन अचानक से हुई एक छोटी सी कहासुनी उसकी हत्या का कारण बन गई। मिली जानकारी के अनुसार रोहतक की रामगोपाल कॉलोनी में डीजे बजने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल दुकानदार ने ग्राहकों के सामने एक अजीब सी शर्त रखी। दुकानदार ने कहा कि अगर डीजे पर नाचना है तो खरीदना होगा। वहीं जब यूपी के रहने वाले तुलाराम ने दुकान से सामान खरीदने से मना कर दिया तो दुकानदार ने ग्राहक की ही हत्या कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी एक फुटेज भी सामने आई है। मृतक के ऊपर लाठी डंडे रोड पत्थर ईंट व चाकू से हमला होता नजर आ रहा है। बताया ये भी गया है कि भूपेंद्र जो पेशे से मजदूर है वो रोहतक के सेक्टर 5 स्थित झुग्गी झोपड़ी में अपने भाई तुलाराम के साथ रहता है। भूपेंद्र की बहन मालती रामगोपाल कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है। होली की शाम करीब 4:30 बजे भूपेंद्र के भाई तुलाराम के साथ बहन के मकान में होली खेलने के लिए गया था, जहां कॉलोनी की गली में डीजे बजाने को लेकर तुलाराम की दुकानदार से झड़प हो गई। इतनी सी बात के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ लड़के रहते हैं पीछे वाली गली में, जिसका नाम खेमराज नाम है, सन ऑफ हल्ला उसके बाप का नाम है। वो हमारे गांव ग्राम नोहाई पोस्ट जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और एक लड़का और है जो सुरेंद्र नाम है, वो भी हमारे गांव का है। तो इन लोगों ने फ़ोन करके मेरे भाई को बुलाया, तो हम लोग कहने लगे इधर आ जाओ, इसी गली में होली खेलेंगे। तो हम लोग गए मिलने के लिए। अपन तो मेरा भाई बोला कि चल भाई चलेंगे, गांव के लोग हैं, चलो मिल आएंगे उन लोगों से। तो हम लोग गए वहां पे। वहां जाने के बाद वहां पे जो एक डीजे बज रहा था, जो जिसके पास हम गए थे उसी के घर के पास एक दुकान है, और वही दुकान वाला डीजे बजा रहा था। तो डीजे बजाने वाला वो दुकान रखा था, तो बहुत सारे परफ्यूम वगैरह स्प्रे वगैरह रखा हुआ था। तो उसने 2 से 2.5 घंटे बजने के बाद उसने अपना डीजे बंद कर दिया, बोला ये डीजे बंद कर दो, माल तो बिक नहीं रहा है हमारा परफ्यूम वगैरह, इसको डीजे को बंद कर दो। तो डीजे को बंद करवाने के बाद मेरा भाई बोला भैया क्या हुआ, क्यों बंद कर दिया? तो बोले ये जब तक ये माल नहीं बिकेगा भाई, जब तक अब डीजे नहीं बजेगा, ये सब लोग मिल के माल खरीद लो, उसके बाद फिर डीजे बजाएंगे। मेरा भाई बोला भाई हम गरीब आदमी, हम नहीं खरीद सकते, हमें नहीं खरीदना, आपको बजाना हो बजाओ, नहीं बजाना हो तो हम जाएंगे अपने घर। तो बोले ठीक है। तो हम जाने लगे तो एक भांगड़ा वाला आ गया वहीं पर उसी समय, उसी की दुकान के 2 कदम पर। तो भांगड़े वाले को मेरे भाई ने बोला भाई आपने तो इसने तो डीजे बंद कर दिया, 2-4 मिनट बजा लो, उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे, कमरे पे वहीं पे सोएंगे। तो बोले ठीक है। तो उस भांगड़े वाले ने बजाना स्टार्ट किया, तो उसने में जो वो डीजे वाला लड़का था जिसकी दुकान थी, जिसका नाम रौनक नाम है उस लड़के का, उसी रौनक ने मेरे भाई के ऊपर हमला किया। तो हम लोगों ने वहाँ पे जस्ट उसको बचाने की, अपने भाई को बहुत कोशिश की, तो हम वहाँ से बचा के अपने भाई को चले गए वहाँ से। हम लोग, हमारे गांव का लड़का है जो कोई हमें बचाने के लिए नहीं आया, हमारे गांव का लड़का भी किसी चीज़ में हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आया। उन 15 लड़कों ने मेरे भाई को पकड़ा मारा, मुझे 4 लड़के नीचे डाल रखे, मेरे जीजा था लखन उसको नीचे डाल रखे, हम सबको नीचे डाल रखे। मेरे भाई को काफ़ी दूर, कम से कम 5 से 10 फीट की दूर पर मेरी से अलग लेके गए, बोले ये इसका छोटा भाई है, इसको दूर करो और इसको दूर करो, इसको अलग मारेंगे इस जगह, इसको फिर बाद में मारेंगे। तो उन लोगों ने मेरे भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रहार किया वहीं पे। फिर क्या, एक लोकल का आदमी है, इस चीज़ से मारा है उन लोगों ने मेरे भाई के ऊपर, चाकू राड होती है जो लोहे की राड से, और करीबन 10 किलो का पत्थर था, इतना बड़ा पत्थर मेरे आँखों के सामने छाती पर फेंक के मारा उसके। जब मेरे भाई को चाकू मारी, चाकू मारने के बाद मेरा भाई नीचे गिर गया। मैंने अपने भाई को ऐसे पकड़ा, जैसे तैसे करके अपने भाई को पकड़ा, तो ऊपर से जो रौनक है उसने 10 किलो का पत्थर मेरे भाई की छाती पर फेंका, जिसकी वजह से उसकी, मतलब मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया, तो हॉस्पिटल पहुंचने में व्हील चेयर पर लेटने के बाद वो एक्सपायर हो गया। तो आपको क्या लगता है कि होली पर हुए विवाद के कारण ये हुआ है? जी, होली पर विवाद होने के कारण हुआ है। और इसमें मेरे, क्योंकि जो जिन लोगों ने हम लोगों को बुलाया था, मेरे गाँव के लोगों ने, हम उनके घर गए तो वो लोग अपनी फैमिली छोड़, अपने मियाँ पत्नी बच्चे से सब फरार हैं, तो इसका मतलब उन लोगों का हाथ हो सकता है, नहीं तो क्यों फरार होते। मृतक के भाई भूपेंद्र सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी और भाई को न्याय दिलवाने के लिए अर्बन एस्टेट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने तुलाराम का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें ये बात जाहिर हुई कि तुलाराम के सीने के पास खंजर लगने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपियों के नाम रौनक और अरमान हैं। रौनक रोहतक जबकि अरमान पानीपत का रहने वाला है।
हाँ जी, कल भूपेंद्र नाम के व्यक्ति जो कि यूपी का रहने वाला है बेसिकली, लेकिन कुछ टाइम से सेक्टर 5 में रह रहा है, उसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई जिसमें कि उसने बताया कि रौनक और उसके 4-5 साथियों ने उसके भाई तुलाराम को चाकू मार के हत्या कर दी, जो कि पुलिस मौके पर पहुँचने के बाद शिकायत ली गई और FIR लॉज की गई, और जो मौके के गवाह थे और वहाँ पे CCTV फुटेज थी उसको फाइल पे लिया गया, और आज हमने जो मुख्य आरोपी था रौनक और उसका एक फ्रेंड अमन जो कि बोहर का रहने वाला है उसको राउंड अप कर लिया है, और उससे अभी पूछताछ जारी है। जैसे ही हालात होंगे इसके आगे के उससे आपको अवगत कराया जाएगा। जी बिल्कुल, जो अभी पूछताछ में सामने आया है कि होली के दिन DJ को लेकर इनकी कहासुनी हुई थी, जो कि बेसिकली जो तुलाराम था जो मृतक था उसने DJ को लेके कहीं ना कहीं बंद करवाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसको लेके तनाव का एक माहौल बना और लड़ाई बढ़ती बढ़ती कहीं ना कहीं इस घटना का कारण बनी और तुलाराम के चक्कू मार के रौनक ने और उसके 3-4 साथियों ने मर्डर किया। हाँ जी बिल्कुल, CCTV फुटेज है जो मौके की हमें बरामद हुई है और उसको फाइल भी लिया गया है। सर उसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल, उसमें कुछ लोगों का हुजूम दिख रहा है, अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, जो जो आइडेंटिफाइड होते जाएंगे फाइल पे हम उनसे पूछताछ करते जाएंगे। उसमें कुछ दिखाई दे सर किस तरह से हमला हो रहा है, किस डंडे? जी बिल्कुल, जो CCTV फुटेज में है जो डंडे हैं, ईंट है और साथ में चक्कू का भी कुछ अंश है जो उसमें दिखाई दे रहा है। कितने आरोपी हैं इस मामले में? अभी जो FIR के अकॉर्डिंग इसमें रौनक और अन्य साथी लिखवाए गए हैं, और जो शिकायतकर्ता है उसे पूछताछ करके उसे शिनाख्त करवाई जा रही है, जो मुख्यतः अभी रौनक और अमन की शिनाख्त हो पाई। जी पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, जो डेड बॉडी है उसको जो वारसा ने उसके हवाले किया गया है।